Hi friends, Dr. Mithali Vasavada here, obstetrician, gynecologist, high-risk pregnancy and natural birthing expert. आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले सर दर्द के बारे में. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं. क्यों होता है ये? इसलिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि शरीर में पानी और सॉल्ट्स का संतुलन बिगड़ जाता है, स्ट्रेसर्स होते हैं किसी किसी के लाइफ में. इन सब चीज़ों की वजह से हेडेक्स बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं. जो साधारण हेडेक्स होते हैं उसके लिए आप पैरासिटामॉल या क्रोसिन, जो कॉमनली ब्रांड नेम यूज़ हुआ किया करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं. मेक श्योर यू गेट एडिक्वेट रेस्ट. अपने आप को ठीक से हाइड्रेटेड रखिए. 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना ज़रूरी है. इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो उससे भी हेडेक्स में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगी. एक एक्टिविटी का शेड्यूल रखा करें. प्रेगनेंसी डजंट मीन कि हमको बैठे ही रहना है. मेक श्योर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी में दिन भर इन्वॉल्व रहते हैं. कुछ ना हो सके तो 3 से 5 हज़ार स्टेप्स वॉकिंग कर लिया करें. कोई एंटीनेटल क्लास ज्वाइन करें, योगा या लामेज के क्लासेस ज्वाइन करें. ये सब चीज़ों से आपकी फिटनेस ओवरऑल अच्छी रहेगी, जिससे कि हेडेक्स और ये सब प्रॉब्लम्स भी आपकी थोड़ी सी कट डाउन हो जाएगी. इसके अलावा कई कई केसेस में हेडेक्स जो हैं ये एक ओमनियस साइन है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का, जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली देखा जाता है. इन केसेस में सपोज आपका हेडेक बहुत सीवियर है, एक बार क्रोसिन लेने से ठीक नहीं होता है, या आपकी यूरिन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, हाथ पांव सूज जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो डेंजरस हेडेक्स हैं उसको दर्शाती है. अगर इनमें से कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार संपर्क करें. थैंक यू इस बार के लिए इतना. अगले बार मिलेंगे एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम के टॉपिक के साथ. थैंक यू.